बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र में 4 दिन से लापता एक युवक का शव आज बरामद हो गया है। हम आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से नायक नगला थाना चांदपुर युद्धवीर सिंह के पुत्र एवं छात्र नेता आशीष त्यागी लापता थे। आज उनका शव रामगंगा पुल के नीचे से उनके ही मकान मालिक की निशानदेही पर बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते उसके ही दोस्तों ने उसका कत्ल कर दिया है। छात्र नेता आशीष अपने घर से 21 सितंबर से लापता था। उसकी सड़ी गली लाश रामगंगा से पुलिस ने बरामद करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लाश बरामद होने के वक्त सीओ महावीर सिंह रजावत, धामपुर कोतवाल संजय कुमार पंचाल, इंस्पेक्टर राजेश यादव, एसआई संदीप राज और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मगर सोचने वाली बात यह है कि आज दोस्ती उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ मतलब परस्ती रह गई है। इस दौर में कोई किसी का दोस्त नहीं, इस हादसे ने यह बात साबित कर दी है, क्योंकि आशीष का कत्ल उसके ही दोस्तों द्वारा किए जाने की बात सामने आ रही है। सीओ का कहना है कि जल्द ही आशीष के दोस्तों के नामों का खुलासा करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो आया था अपने कमरे पे, जब मैं नौकरी करता था। उसके बाद यार दोस्तों से मिला, उन यार दोस्तों से इनका कुछ आपस में बोला चाली हुई। ये अपना फिर अपना कमरा बंद कर लेट गया। वो रात के 11-12 बजे करीब आए, कमरा मकान वाले से खुलवाया, उसे साथ लेके थे उसके भाई भतीजे लगते थे जो मारने वाले थे, उन्होंने आज तो फायर करा और गाड़ी में डाल कर ले गई। उस दिन से हमें नहीं पता लगा। फिर आज हमें 21 तारीख की रात को, तो आज लाश से कैसे पता चला? बस ढूंढ रहा पुलिस के द्वारा, जैसे भी मकान मालिक के द्वारा। हाँ, मकान मालिक ने बताया, जो पकड़ रखा उसी दिन से उन्होंने बताया वही गिरफ्त में था पुलिस की।